हेलो एवरीवन, दिस इज सूरज विश्वनाथ एंड यू आर वाचिंग योर अपना चैनल पैरा चैनल मेरिट यार्ड, जहां हम पढ़ते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, फील करते हैं दिल से और उसे फाइनली से यहां करते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? मिरर इक्वेशन, मिरर फॉर्मूला। ठीक ना, ये चीज देखते हैं क्या है। तो आप जो है इमेज डायग्राम सीख चुके हैं, जैसे मान लेते हैं कोई मिरर ले लेते हैं, कनकेव मिरर लेते हैं। चलिए, ये रहा कनकेव मिरर, कनकेव मिरर, इसका पोल, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये रहा ये प्रिंसिपल एक्सिस, और इसके बीच का पॉइंट क्या होता है? प्रिंसिपल फोकस। नहीं, हम ऑब्जेक्ट को कहीं पर रख के क्या कहते हैं ना, इमेज डायग्राम खींचते हैं। कहाँ रख दें? चलो यहाँ रख देते हैं। ये रहा ऑब्जेक्ट, टेढ़ा हो गया, कोई बात नहीं, आप लोग बनाते वक्त सीधा कर लेंगे इसको। ठीक ना, देख लीजिए, यहाँ से रूल याद है ना, कैसे इमेज डायग्राम खींचते थे, बस वही रूल को फॉलो करेंगे। यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक रे जाएगा, जो मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ जाएगा? ऑलरेडी नॉन एफोकस, तो फोकस जाएगा, पता ही है, जिस पॉइंट से पास करता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? फोकस बोलते हैं। सेकेंड क्या बताया गया था कि एक और रे उसी टॉप से ले जाना आपको, कहाँ से? सी से। चलिए ले चलते हैं, ये रहा, यहाँ कटा, ये रहा इमेज, आप तो ये सीख चुके हैं ना। ठीक, ये है ऑब्जेक्ट और ये रहा इमेज। आपको अच्छे से पता है साइन कन्वेंशन आप पढ़ चुके हैं कि जो भी डिस्टेंस मेजर करेंगे कहाँ से करेंगे? पोल से। तो पोल और एफ के बीच का दूरी क्या कहलाता है? फोकल लेंथ, याद है ना, फोकल लेंथ। ठीक है, और इसी पोल से डिस्टेंस मेजर करेंगे ऑब्जेक्ट का, कितना दूरी पर रखा हुआ है? तो u डिस्टेंस पर रखा हुआ है। ठीक ना, देख लीजिए। और इमेज को क्यों छोड़ें? इमेज कितना डिस्टेंस पर? इमेज डिस्टेंस को हम लोग क्या दिखाते हैं? भी से। और ये देखिए है, क्लियर है ना, यहां पर। ठीक, अगर हम ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज करें तो क्या कहते हैं, इमेज का भी पोजीशन चेंज हो जाएगा। ठीक ना, ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज करेंगे तो इमेज का भी पोजीशन क्या हो जाएगा? चेंज कर जाएगा। ठीक ना, और कितना बड़ा कितना छोटा बनेगा, ठीक है, ये डिसाइड करता है कौन? मिरर, और इसके सामने जहां पोजीशन पर रखे हैं वो चीज। ठीक ना, तो आखिर ऑब्जेक्ट को हम इतना डिस्टेंस पर रखें, इमेज कहाँ बना, कैसे बना, ये कैसे कैलकुलेट होगा? ठीक ना, तो वो कैलकुलेट होगा इन तीनों के बीच के रिलेशन से। ठीक ना, इन तीनों के बीच के रिलेशन से, कौन कौन? फोकस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस। ये जो रिलेशन है, क्या इनके बीच का जो रिलेशन अभी लिखने वाले हैं हम, वो क्या कहलाता है? मिरर फॉर्मूला कहलाता है। क्या चीज? मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला। ठीक है, देखिए क्या है रिलेशन भाई, तो है रिलेशन 1/f = 1/v + 1/u, याद रखेंगे। ये प्रूफ आप लोगों को 10th में पढ़ना नहीं, एनसीईआरटी उठाकर आप देख लेंगे, प्रूफ पढ़ना नहीं है कि हाँ प्रूफ कीजिए कितना होता है, वैसे किया जा सकता है लेकिन पढ़ना नहीं है, एक्स्ट्रा टेंशन क्यों लेना? नहीं, चलिए जब समय आएगा तो उसको भी पढ़ लेंगे। देखें, चलिए क्लियर है ना। यहाँ देखिए, यहाँ पर आप जिक्र कर लेंगे क्या एफ क्या है? फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, फोकल लेंथ। ठीक है, यू क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जो कि कहाँ से मेजर होगा? पोल से मेजर होगा उस मिरर के। ठीक, एंड वी क्या है? वी क्या है? वी क्या है? तो इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस। क्लियर है ना, यहां देख लीजिए। और इनके बीच का रिलेशन ऐसे दिखाते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? मिरर फॉर्मूला बोलते हैं। अब टाइम आ गया है न्यूमेरिकल का। ठीक ना, अब क्या करेंगे मिरर से? अभी तो लेंस बाकी है इस चैप्टर का, लेंस बाकी है ना, अभी तो मिरर किए हैं हम लोग। ठीक, अभी लेंस भी आगे पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन बाकी है, इसका एक पहलू बाकी है। ठीक, इस चैप्टर का। ठीक, तो यहां पर जो है इससे रिलेटेड जितने भी इंटेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, अंदर वाले क्वेश्चंस, एग्जांपल्स के क्वेश्चन, एक्सरसाइज के क्वेश्चन, सब क्वेश्चन हम लोग यहीं पर कर लेंगे, लेकिन आज के लेक्चर में नहीं। आज इससे रिलेटेड एक दो न्यूमेरिकल करते हैं, फिर क्या करेंगे कि एग्जांपल का अलग बनाएंगे वीडियो, एग्जाम्पल के क्वेश्चन का, और फिर क्या इंटेक्स के अलग बनाएंगे, और एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है मिरर पर बेस्ड, उसका अलग वीडियो होगा। क्लियर है ना, तो चलिए क्वेश्चन किया जाए, एकदम याद रख लीजिए क्या रिलेशन क्या, 1/f क्या है ये भी पता होना चाहिए, 1/v + 1/u, भी क्या है, कहां से मेजर कर रहे हैं, u क्या है, कहां से मेजर कर रहे हैं, कौन से मिरर के लिए, ये कैसे होता है, इमेज डायग्राम पूरा कंप्लीट कर लीजिए। यानी पीछे के सारे लेक्चर्स अगर आपको अच्छे से कंप्लीट है तो न्यूमेरिकल बनाने में जरा सा भी प्रॉब्लम नहीं होगा, जरा सा भी नहीं। तो ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन, क्या है?
एंड ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, ठीक ना, बिफोर अ कन्वेक्स मिरर, ठीक, और फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, ठीक है। पहले क्वेश्चन को समझना है, ठीक है, आराम से जब क्वेश्चन समझ में आ जाएगा ना तो आधा सोल्यूशन तो हो गया, ठीक ना, और बाकी फॉर्मूला लगा कर कर लेंगे हम, है ना। चलो देखो इधर क्या कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 10 सेंटीमीटर पर, इसका मतलब क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो दिया हुआ है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी कि u, और आपको पहले बताएगा कि u हमेशा नेगेटिव क्यों होता है, पहले के लेक्चर्स में है, ठीक ना। कितना, तो u कितना दे दिया, -10 सेंटीमीटर, यही ना। देखिए बिफोर अ कन्वेक्स मिरर, कौन सा मिरर, कन्वेक्स मिरर, ठीक, और फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ क्या दे दिया है 15 सेंटीमीटर, अब प्लस में होगा कि माइनस में होगा, क्योंकि यहां पर साइन कन्वेंशन के साथ रखना आपको सब न्यूमेरिकल में, ये खास याद रखना है, क्यों है ये भी आपको पता है क्योंकि आप सारे लेक्चर्स देख कर आए हैं, जो लोग नहीं देख कर आए देख कर आएंगे, ठीक ना। देखिए क्या है, तो कन्वेक्स मिरर है, कन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है, पॉजिटिव या निगेटिव, पॉजिटिव होता है, क्या होता है, पॉजिटिव, तो यहां जो बैठेगा वो क्या होगा, प्लस में ही आएगा, क्या चीज, 15 सेंटीमीटर, प्लस ना भी लेके तो चलेगा, ठीक। तो कह रहा है कि फाइंड द इमेज पोजिशन, इमेज कितना डिस्टेंस पर होगा, कहाँ होगा, ये बताना के लिए कह रहा है आपको, ये रहा भी पूछ दिया आपसे, और फिर कह रहा है कि प्रॉपर्टीज बता देना है, कैसा होगा प्रॉपर्टीज, यानी प्रॉपर्टीज बताने के लिए इनडायरेक्टली आपसे क्या कहा है कि मैग्निफिकेशन, याद है ना, प्रॉपर्टीज बताने में मैग्निफिकेशन बहुत काम आता है, यानी कि मैग्निफिकेशन पता कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए यू पता है, एफ पता है, क्या अभी नहीं निकलेगा, ये क्यों पढ़े हम लोग यहां से, तो चलेंगे क्या, फ्रॉम मिरर फॉर्मूला, फ्रॉम मिरर फॉर्मूला क्या, 1 by f = क्या होता है, 1 by v + 1 by u, यहां से आप 1 by v रहने दीजिए, इधर ले आइए, 1 by f - क्या हो जाएगा, 1 by u = 1 by v, बताएं जरा 1 by क्या हो जाएगा, क्या है f, 15 है प्लस q लिखना, माइनस 1 by क्या, -10 है, -10 याद रखेंगे, -10 यही पुट करना है। चलो सॉल्यूशन करते हैं, 1 by 15, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 by 10 हो गया = 1 by v, हो गया ना, फाइनल फाइनल फाइनल, देख लीजिए क्या आता है ना, चलिए क्या हो जाएगा, 30 LCM आएगा, 30 वो भी सिखाया क्या, चलिए देखिए, 15 × 2 प्लस क्या हो जाएगा, 10 = 1 by v, ठीक। तो फाइनली क्या हो जाएगा, इधर देख लेते हैं, इधर 3 × 2 = 5, 5/30 = 1 by v, यहाँ से 1/6, 1/6 है, पलट देंगे तो v बराबर क्या आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर, कितना, 6 सेंटीमीटर, वो भी प्लस में आया है, क्या में आया है, प्लस में आएगा ही ना, ये कौन सा मिरर है, कन्वेक्स मिरर, क्या है, कन्वेक्स मिरर। अब बताइए ना, प्रॉपर्टी बताना है, प्रॉपर्टी क्या बताना है, इमेज डिस्टेंस में मिल गया और प्लस में 6 सेंटीमीटर है, कन्वेक्स मिरर का बात है, जरा देखिएगा यहाँ पर कि ये रहा कन्वेक्स मिरर, इसके सामने हम लोग कहाँ रखे हैं, कहाँ रखे हैं, तो 15 सेंटीमीटर की दूरी पर, ना 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 ना, 15 सेंटीमीटर क्या है इसका, फोकल लेंथ है, तो भी आया +6 सेंटीमीटर, प्लस में आया है, ठीक ना। प्लस आने का मतलब क्या है, कहाँ बनाया, चलिए थोड़ा सा एक इमेज डायग्राम से देख लेते हैं, देखिए ये है कन्वेक्स मिरर, ठीक ना, यहाँ पर है, ऑब्जेक्ट को यहाँ रख दिया, आपको अच्छे से पता है कि इमेज किधर बनता है, इधर ऐसे आया, यहाँ से आता हुआ प्रतीत हुआ, यहाँ क्या है, फोकस है, फिर इसका सी ढूंढेंगे, यहाँ से ले जाएंगे रे, नहीं कहाँ करता हुआ मालूम पड़ा, यहाँ इमेज यहाँ बना है, यही ना है इमेज, ऐसे नहीं खींचे थे इमेज डायग्राम। अब बताइए ना, हम जो भी डिस्टेंस मेजर करते हैं कहाँ से करते हैं, पोल से, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस मेजर होता है वो पॉजिटिव होता है, उसके अगेंस्ट में निगेटिव होता है, तो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन यहाँ देखिए ये है, और ये जो डिस्टेंस मापेंगे हम वो क्या होगा, इधर से इधर ही ना, पोल से मापना है, तो पोल से यहाँ, जिधर इंसिडेंट रे का डायरेक्शन उधर ही इमेज डिस्टेंस, उधर ही इमेज डिस्टेंस, तो क्या हो गया, पॉजिटिव ही आएगा ना, क्योंकि इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में, प्लस में आया, और देखिए तो ये मिरर के क्या बना है, पीछे, कन्वेक्स मिरर का तो कैसी है कि क्या सी, मिरर के पीछे, क्लियर है। तो कहाँ बना इमेज, 6 सेंटीमीटर की दूरी पर पोल से, मिरर के पीछे, क्लियर है, ये चीज है।
अब कहा जा रहा है आपसे कि प्रॉपर्टीज बताएं। प्रॉपर्टीज तो आप यहां से भी बता सकते हैं, लेकिन मैग्निफिकेशन अगर सामने रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। तो एक काम करते हैं, नाउ हम मैग्निफिकेशन फाइंड करेंगे। मैग्निफिकेशन इक्वल क्या होता है मिरर का, तो माइनस वी बाय यू, याद है ना। यहां से एम इक्वल ले चलेंगे, माइनस वी की जगह पर क्या 6 सेंटीमीटर, प्लस यू कितना है -10 सेंटीमीटर, यही ना है, माइनस माइनस प्लस हो गया, एम इक्वल क्या आया 6/10 आया, यानी कि 0.6, यही ना। निश्चित है मैग्निफिकेशन क्या है, एक से छोटा है, यानी कि इमेज क्या है छोटा, वो तो यहां दिखा भी है, क्लियर है ना। ये है तो प्रॉपर्टीज कैसे लिख देंगे, प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज यहां कर देते हैं, प्रॉपर्टीज लिख देते हैं। प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगा कि भाई इमेज बना है वो वर्चुअल है, क्या रियल इमेज है नहीं ना, वर्चुअल है, इरेक्ट है, ठीक है, और कहां बना है बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। ये तो खैर प्रॉपर्टी नहीं, मतलब ये पोजीशन बताया जा रहा है, यहां देख लीजिए, यही है क्वेश्चन, प्रॉपर्टीज यही, इरेक्ट एंड स्मॉलर, एंड स्मॉलर, क्लियर है ना। और कहां बना है बिहाइंड द मिरर, कहां बना है बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे, ठीक ना। तो ऐसे ही यू भी और एफ में रिलेशन आराम से, इससे जितना भी इस पर बेस्ट क्वेश्चन होगा आराम से कर सकते हैं आप, ठीक ना। ये है, चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो ये है सेकंड क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर। फिर से वही बात जो कह रहा है वो करिए, ठीक ना। देखिए क्या कि एक ऑब्जेक्ट है जो कहां रखा गया है 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर, यानी कि यू दे दिया है, क्या दे दिया है यू, और यू हमेशा नेगेटिव में, यानी कितना -20 सेंटीमीटर, ठीक है। फ्रॉम अ कंकेव मिरर, कंकेव मिरर और फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। कंकेव मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक ना। फोकल लेंथ क्या दे दिया -15 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो फाइंड द इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस फाइंड कीजिए, यानी कि भी फाइंड कीजिए। कितना आसान क्वेश्चन है, सीधा साधा क्वेश्चन है, भोला भाला क्वेश्चन, आराम से बनाइए इसको। कहां से लेंगे, फ्रॉम मिरर फॉर्मूला, फ्रॉम मिरर फॉर्मूला, फ्रॉम मिरर फॉर्मूला क्या होता है, इसको उलट कर लिखे क्या, ये इधर, ठीक है। देखिए ऐसे 1/v प्लस 1/u इक्वल 1/f, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखो 1/v प्लस 1/u के जगह पर क्या लिखेंगे, -20 इक्वल 1/f के जगह पर क्या लिखेंगे, -15। चलिए 1/v इसको ऐसे -20 लिख सकते हैं, इक्वल माइनस क्या 1/15 लिख सकते हैं आराम से। 1/v इसको उधर ले चलेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में, और ये तो माइनस में ही रहेगा, ठीक ना। 215 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 60 निकाल लेंगे आप, देख लीजिए। अब आराम से 20 से 3 माइनस, ये कितना 4 बार में, ये तो आता ही होगा आप लोगों को, ठीक है। तो कितना आ जाएगा -1/60, ठीक है। यहाँ तो यहाँ से भी अगर चाहे तो पलट जाएगा, तो भी इक्वल क्या हो जाएगा -60 सेंटीमीटर, यही है इमेज डिस्टेंस। माइनस क्यों आया है, मिरर के उसी साइड बनेगा। वैसे भी देखिए ना, फोकस दूरी कितना है, फोकल लेंथ कितना है, माइनस 15 सेंटीमीटर है। ये रहा कनकेव मिरर, ठीक ना, ये रहा इसका फोकस दूरी जो कि कितना है 15 सेंटीमीटर है, ठीक ना। इमेज कहाँ बना है, -60। अगर देखिए ना, ऑब्जेक्ट को और हम यहाँ पर यू को 20 सेंटीमीटर इधर रखे हैं, इसका जस्ट डबल क्या होगा, सी होगा, यानी कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखे हैं हम, 20 सेंटीमीटर पर रखे हैं। इसका मतलब यहाँ से 15 पार करेंगे, यानी कि इधर रखे हैं। इमेज कहाँ बनता है, इधर बनता है, याद है ना, कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड सी ऑफ अ कनकेव मिरर, इमेज कहाँ बनता है आपको अच्छे से पता है, इधर बनेगा, तो इधर ही बना, इसलिए निगेटिव आया है, ठीक है। ये रहा इमेज डिस्टेंस, पता चल गया, ठीक। तो ऐसे ही आराम से पीछे के लेक्चर्स आराम से कंप्लीट करेंगे। मिरर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे आपके एनसीईआरटी बुक में, एडिशनल भी कुछ सारे क्वेश्चंस करेंगे हम, इन टेक्स्ट एग्जाम्पल और फिर एक्सरसाइज का, ठीक। तो आप भूलेंगे नहीं, आप स्टूडेंट हैं और आपका काम क्या है, पढ़ाई करना, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू।